अब जी इंडिया पहुंच के जब मम्मी आ जाएंगी, सैंड्रा वगैरह आ जाएंगे, तो हमें घर की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ तो रह नहीं सकते। और घर ढूंढने में जो सबसे बढ़िया बंदा मदद कर सकता है वो है सरबजीत सिंह गुलाटी, जिससे आप पहले मिल चुके हैं, मेरा बचपन का खास दोस्त, और वो बिल्डर भी है यहाँ पे, और फरीदाबाद में रियल एस्टेट पे उसकी काफ़ी पकड़ है। तो इसलिए मैंने उसको बोला कि चले यार कुछ देख के आएँ, और साथ में थोड़ा सा अपना जो है ना बिजनेस वगैरह दिखा भी समझा कि, ताकि आप लोगों को पता लगे कि जिन लोगों के साथ मैं पढ़ा हूँ मेरे क्लासमेट आजकल क्या कर रहे हैं। और साथ में मैंने सुखुंदर को बोल दिया कि तू भी चल जा रहा यार, थोड़ा छटाई हो जाएगी घरों की। तो बस अब मैं सुखी के घर निकलने लगा हूँ, वहाँ से सरबजीत सिंह गुलाटी के हैं, और उसके बाद आगे घूमते हैं और देखते हैं कि कुछ काम का मिलता है कि नहीं आज की। पहुंच तो गया हूँ सरदार जी के हैं, बाकी पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं, बट गाड़ी जो है साफ सूख होके आ गई है। 5,000 रुपये लगे, बाहर रबिंग हो गई, अंदर ड्राई क्लीनिंग हो गई। अब बस मिसेस सिंह की वेट। कहाँ पापा, कहाँ पापा? अंदर है, अंदर। मिस्टर सिंह तैयार नहीं है, इसलिए मैं उनकी वेट कर रहा हूँ, और थोड़ा मैं छुटकी का टाइम स्पेंड कर लूँ ना। Yes, very good. Up shot. Shot. आहाँ, मनोज जी फ्रेश मक्खन घर का। किस्मत है सर, आपकी किस्मत। सर आपकी भी है, सबकी है, आप खाते नहीं हो, टाइट पे लगे हुए हो। टाइट चल रही है सर। आओ खाओ परांठे गोभी के, मज़ेदार। हाल है मनोचा जी, आई एम बैक। एक बार दोबारा मैंने मिक्स हो गया बीच में। आई एम बैक। आओ सर, आओ आओ जी, आओ आओ जी, आओ बैठो सर। मैं कहा सरदार जी दोनों की कमीजें तो बहुत बढ़िया लग रही हैं। सर बंदे बढ़िया हैं। अरे वाह क्या बात है। अच्छा मैं ये कह रहा था कि आपकी फैक्ट्री तो पिछली बार सब लोगों ने देख ली है ना, जो हमने लास्ट उसमें वीडियोस बनाई थी कि आपको किस लेवल पे काम है, कैसी मशीनरी वगैरह से रिलेटेड होती है। बट मैं ये सोचा था कि सर आपको थोड़ा सा अपना बिजनेस, चलो वर्ड ऑफ माउथ से तो बहुत ज्यादा चल रहा है, भगवान की दया है, ठीक है, तो उसको थोड़ा ऑनलाइन लेके जाओ ना, ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। आप बताओगे कैसे लिया जाता है ऑनलाइन? आप इतने सालों से काम कर रहे हो ऑनलाइन का? 12-13 साल हो गए आपको। पहले अपना ऐप वाला काम करते थे और अब आप अपना ये कर रहे हो, ये तो 100% हर चीज ही ऑनलाइन है, तो आप गाइड करो। बाबूजी ऐसा एक बड़ी जबरदस्त ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है स्किल शेयर, उन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर भी किया है, और उसपे कई सारी ऑनलाइन इंटरेस्टिंग क्लासेस मिलती हैं, जिनमें से हाँ जिनमें से 2-3 तो स्पेशल मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट करके रखी हैं, स्पेशल इसी पर्पस के लिए कि आपको ऑनलाइन बिजनेस एस्टैब्लिश करने में आसानी हो। सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। बताओ फिर कौन सी क्लासेस है? क्लास है जी थॉमस जॉर्ज की, बिगिनर्स गाइड टू ऑनलाइन बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और इसके अंदर जो बिजनेस शुरू करने के बेसिक होते हैं ना, जैसे कि माइंडसेट हो गया, थोड़ा सा अपना रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, आपने सोशल मीडिया से रिलेटेड प्रेजेंस हो गई, आपकी ग्राफिक्स हो गए, सबके बारे में A to Z बढ़िया डिटेल बताइए। और इसके अंदर जो है ना 17 लेसन्स भी हैं एक क्लास में, मगर फिर भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये के सारे 1 घंटे में खत्म हो जाते हैं। छोटे छोटे टॉपिक को इन्होंने जो है ना एक लेसन्स में इंडिविजुअली डिवाइड किया हुआ है, तो पता भी नहीं लगता कि कब आपने नॉलेज एक्वायर कर ली। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन में आपको सारी की सारी क्लासेस का एक्सेस मिलता है, आप कोई भी क्लास ले सकते हो, और उसकी फीस है 2,000 रुपए साल की, यानी कि महीने के 166 रुपए के आसपास पड़ते हैं। इतने में आप और मैं भी चाय नाश्ता करने जाना वो भी नहीं है। और मैं स्किल शेयर बड़ी कॉन्फिडेंटली सबको इसलिए रेकमेंड करता हूँ क्योंकि इसके अंदर जो क्लासेस हैं वो कई सारी कैटेगरीज के अंदर हैं, चाहे वो म्यूजिक हो, फाइन आर्ट हो, प्रोडक्टिविटी हो, मैनेजमेंट हो, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ इसके अंदर मिल ही जाता है। और आपको पता है ना क्रिश्चियन वेडिंग में एक फर्स्ट डांस होता है जो कपल करता है, बिल्कुल ये होता है, मैंने पिक्चर में देखा है। मैंने उसकी क्लास भी स्किल शेयर से ही ली थी। क्या बात है भौजी, क्या बात है। और आजकल एकात्रिना उसोवा का हूँ, जिसके अंदर की कपल्स फोटोग्राफी से रिलेटेड चीजें हैं, ताकि जब सैंड्रा यहाँ पहुंच जाए तो हम थोड़े अपने पोज वगैरह जब इंडिया सीरीज वगैरह बनाएंगे तो वहां से आ जाए। स्किल शेयर एक बार
ट्राई जरूर कीजिए और जल्दी कीजिए, क्योंकि जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उसको लेके जब आप स्किलशेयर ज्वाइन करेंगे तो पहले 1000 सब्सक्राइबर्स को एक महीने का ट्रायल फ्री मिलेगा। तो इसलिए आप भी जाके जरा लिंक से कर लो, ट्रायल फ्री है, कम से कम ट्राई तो किया जाए ना। बाकी अब कितनी देर रहेगी पहुंचने में मिस्टर सिंह के पास? बस पहुंच रहे हैं, बस 10-15 मिनट में और पहुंचते हैं। मोहित जी, ऐसा गुलाटी साहब तो हो गए हैं लेट, हाँ जी, तो टाइम को यूटिलाइज कर लेते हम लोग, क्योंकि गुलाटी साहब थोड़ी देर में आएंगे, तब तक ना मैं आपको उनका जो प्रोजेक्ट है ना वो दिखाता हूँ, ताकि अपने घर तो बहुत अच्छा बनाते हैं यार, उनकी खासियत यही है। और आप अपना ये प्रोजेक्ट देखो, और जो आपको अपनी शादी के लिए घर ढूंढ रहे हो, आपका 500 गज से काम चलता है नहीं चलता, आपको बड़ा चाहिए कैसा चाहिए, वो सब आपके डाउट्स में अभी आपको क्लियर करवा देता हूँ। यार ये देख, एक फ्लोर में कितने कमरे होते हैं पहले ये बताओ? यार डिपेंड करता है, 3 भी होते हैं 4 भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी साइज, आपने क्या उनको बोला गया है क्या है आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक सेकंड रुक, पहले ये नीचे खाली क्यों है सारा, पार्किंग बनेगी? ये स्टिल्ट पार्किंग है भाई, स्टिल्ट पार्किंग। क्या मतलब होगा स्टिल्ट पार्किंग? मीन हर एक फ्लोर में जो है उनकी अपनी इंडिपेंडेंट गाड़ियां आएंगी, 1, 2, 3, 4। अच्छा, तभी 4 माले अलाउ है ना? 4 माले भी, ओके ओके। वो नीचे सर्वेंट क्वार्टर होती है? चारों की सर्वेंट क्वार्टर है, जितने हैं चारों के अलग-अलग सर्वेंट क्वार्टर। अब देखो जी, जब रिश्तेदारी बरादरी आएगी ना, सैंड्रा के पापा, उसका भाई सैंड्रा, मैं, मम्मी, सन्नी के लिए कमरे सबके लिए चाहिए होंगे, और 4 से भी मुझे लग रहा है काम चलेगा नहीं। अगर ऐसे फ्लोर लिए पूरी कोठी ना मिली तो हो सकता है हमको 2 भी लेने पड़ जाए, डिपेंडिंग कमरे कितने। चीज तो बढ़िया बनाई है मिस्टर सिंह ने, है ये किचन है, फॉल सीलिंग कर रखी है सारी, ये आजकल डिश वॉशर लगने लगे हैं। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। इंडिया में भी डिश वॉशर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कई बार लोग थोड़ी सी, क्योंकि हम वहाँ पे यूज करते हैं तो आलस थोड़ी सी कम आती है, वो अलग बात है, हमारे यहाँ कुकर वगैरह ज्यादा यूज होते हैं, तो वॉशिंग के कोई हेल्प करने वाला डोमेस्टिक एड तो फिर भी चाहिए होगी, बट फिर भी थोड़ी हेल्प। सही है यार, कमरों के साइज तो अच्छे हैं, इतनी महंगी पैसा खर्च के तो उसमें पूरी रिसर्च करके ही लेता है, इतनी महंगी चीज दे रहे हो, मगर जब ससुरालियों के लिए कोई चीज लेनी हो ना तो अपने से भी ज्यादा रिसर्च करता है कि भाई कोई ससुर चीज को गलत चीज ना दिलवा दे, क्योंकि वो रिश्ता बड़ा सेंसिटिव होता है। ये क्या लिफ्ट? ये लिफ्ट है। अरे वैसे चल जाएगा अगर हम 2 फ्लोर ऐसे में अगर कोई बने बनाए, इनके बने बनाए हैं अभी जो कोई रेंट पे दे रहा हो? देखो आप, वो तो गुलाटी साहब बता सकते हैं, प्रोजेक्ट तो काफी चलते रहते हैं, चर्चा हुई जा रही गुलाटी साहब की, गुलाटी साहब नजर नहीं। आपको जैसे पता है फरीदाबाद में फ्लैट से फ्लैट बन रहे, एक सामने बन रहा है, एक बना हुआ है ऑलरेडी, और एक और गुलाटी साहब का एक और फ्लैट वहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। अगर वो तो खैर अभी बन ही रहा है तो उसमें तो टाइम लगेगा, आपके लिए बढ़िया ढूंढते हैं। अरे सच अ लवली कलर यू वेयरिंग, माय गॉड, आर वी गोइंग टू पाटियाट बीच? या पाटियाट बीच, यहाँ पे कहा है लेकिन आप इतने गंदे मच्छे बने पड़े, हमें शर्म आ रही है आपको? कोई तो मैं कह रहा हूँ ये शूटिंग कर रहा है, मैं उस कपड़ों में हूँ यार, उस कपड़े में हूँ, नाइट नाइट ड्रेस नाइटी में हूँ ये भाई के नाइटी में, भाई ये नाइटी में, ये भाई जो बेल्ट लगा, बेल्ट है, सेफ्टी इज फर्स्ट। अरे वो मैंने आपकी आपकी बहुत बातों में लग गया, मेरी बातों में ज्यादा मत लगा करो, मैंने बड़ा देखा उस दिन उतार के मेरे को ये तो कुछ भी बोलता है, 2 बियर पी के राज भी बियर मांग रहे हो अरे सर आप भाई कमाल आदमी हो, अगर मैं देखा, मैंने एंड एंड में एक चीज देखी ये आदमी, मैंने कैमरा खुलवाया स्पेशली। सर एक बात बताओ, टी शर्ट इतनी प्यारी, क्या बात है इसकी, शर्ट का कलर देखो, आप कहाँ पार्टी, आर वी गोइंग समवेयर? नो ब्रो, वी आर नॉट, वी आर वेटिंग फॉर यू। हाँ जी सरबजीत जी, क्या हाल है? संडे के दिन कैसे फ्री सर आप?
संडे के सर मोहित साहब ने सरप्राइज दिया है भाई, हमारे भाई कनाडा से आए हैं। आप संडे के दिन आप निकल ही नहीं सकते, आपका ये संडे तो आपका मेन डे होता है। संडे इज द डे विद द क्लाइंट्स। गुलाटी साहब ये वाला तो हम देखा है, ठीक है, मगर हम उस तरफ क्यों जा रहे हैं? सुखुंदर तो गया था, आपका प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है? वहाँ चल रहा है, लेकिन इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, हाँ फाउंडेशंस डल रही हैं उसकी। अच्छा। भी वहाँ भी लेके चलता हूँ आपको। हाँ। हमने प्रोजेक्ट अभी खत्म करा है। अच्छा, ये भी आपका ही था? ये भी हमारा ही है। ओए ओए, क्या बात है। दिखाते हैं अंदर से डिजाइन। अच्छा, मैं तो सोचता हूँ सारे डिजाइन छोड़, जो इसके जिस अपने घर में रहता है, वो इसके पापा ने कितने साल पहले घर बनाया था, उसका डिजाइन टेस्ट ही अलग है। सही बात। ये तो नीचे पूरा खाली है ना सर? ये बेसिकली हमने स्टडी रूम तैयार करा है। ओके, एंड दिस इज द फायर लॉन्च। ओके, स्टडी लाइब्रेरी है बेसिकली। स्टडी लाइब्रेरी सर, दिस इज द लॉबी। ओके, इट इज कंप्लीटली वीआरवी, सेंट्रलाइज एसी है। अच्छा, सारा सेंट्रल एसी है पूरे घर में? पूरे घर में कैनेडियन स्टाइल है। या कैनेडियन नाइस। एंड दिस इज द, ये क्या है? दिस इज द रिच ड्राइंग रूम। अच्छा, व्हिच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट। अच्छा यार, ये तो मतलब काफ़ी प्रीमियम प्रॉपर्टी एक तरीके से है ना, प्रीमियम कस्टम होम जिसे बोलते हैं। फॉल सीलिंग बहुत बढ़िया है भाई ने, क्या बात है। शैंडलियर 14 फीट हाइट है वहाँ पे। कैनेडा में एक फुट बढ़ानी हो ना, पता नहीं कितने स्क्वायर फुट फालतू देने पड़ते हैं। बेसमेंट वहाँ पे 8 फुट की मिलती है बेसिकली। हमने भी एफआर पे करा है। अच्छा, एफआर पे करा गवर्नमेंट को। ये बेसिकली सारा इटालियन लगाया घर के अंदर। अच्छा, दिस इज द गेस्ट रूम। ओके, this is the walk-in closet again, a separate walk-in closet. Wow, जी वाह। This is all Burberry. This is all Italian. भाई साहब, Italian marble, Italian दीवारें, this is level का काम। बहुत अच्छा। This is the vanity. This is a drum waiter. आपने इसमें खाना रखा, whichever flow you want. आगे जी मिस्टर गुलाटी के ऑफिस में, और अपना ढोकले छोकरे थोड़े चल रहे हैं, स्नैक वगैरह हो रहे हैं, बट सिद्धार्थ जी काम तो देख के आपका मजा आ गया। और ये तो हमें को तो ये लग रहा है कि मतलब अभी हमने बेयरली सरफेस ही टच किया है। थोड़ा टाइम और दो, प्रॉपर वीडियो बनाएं और क्या कहते हैं, देखें कि क्या क्या चल रहा है कहां कहां पे। उसके लिए ना आपको फुल डे चाहिए गुलाटी साहब के साथ। फुल डे चाहिए, क्योंकि मैं खुद सोच रहा हूं कि थोड़ी बहुत हम इन्वेस्टमेंट में वगैरह, सेंड्रा भी आ रही है यहां पे, उसको सारा दिखा दें, क्योंकि अपने घर में ही बंदा बैठा हो काम करने वाला, तो फिर बाद मजे ही गया। इट वुड बी पॉसिबल आफ्टर दिवाली, बिकॉज़ दिवाली के बाद से ही आपके इतने कॉन्टैक्ट हैं, इतनी जगह काम कर रहे हो, तो लोगों को फ्लो भेजते हैं, मेरे को दिलवा दो कोई घर शादी के लिए, ताकि सेंड्रा आए तो हमारी फैमिली को। दिन का काम कुम निपटा के हम पहुंच गए मिस्टर सुखविंदर सिंह के घर, क्योंकि भाई देखो गुलाटी साहब को बुलाओ, गुलाटी साहब भी आए हुए हैं। हमने थोड़ा लंच वंच के लिए जाना है, हमने सोचा आपको भी शामिल करा जाए हमारे लंच में। भाई लंच वंच के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, भाई नाराज बैठी होती है, पता नहीं है। चलो चलो, सत श्री अकाल भाभी जी, कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। सरदार जी भुड़कते भुड़कते बचे हैं अभी। ओ तेरी, ये क्या है? मैं कहा पाओ जी आपको तो फिर बड़े तोहफे वोहफे आ रहे हैं, बड़े कनेक्शन है आपके। सर तोहफे आ नहीं रहे, तोहफे दिए जा रहे हैं। है? अच्छा, दे रहे हो? हैंडमेड विद लव गिफ्ट्स हैं, पारस ने बनाए हैं खुद। हैं भाभी जी ने? ओके, वेरी नाइस। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या है ये? ये डेट्स एंड वॉलनट केक। ओह वेरी नाइस। अच्छा, ये तो आप ही बनाते हो ना घर पे? हाँ जी, हैंडमेड। बिल्कुल है, होममेड। सॉरी, होममेड आपने अभी? हाँ जी। अरे वाह, तो ट्राई करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको फ्लैट मना करने वाला था, क्योंकि मेरी डाइट थोड़ी चल रही है, बट इसके लिए चीट डे कर लेंगे। कहीं अब वैसे वहाँ पे सुपरमार्केट वगैरह में लेके खाओगे ना, ये फील नहीं आती जो फ्रेश वाली आती है। मगर ये सबसे बढ़िया बात मेरे को भी भाभी जी ने बताया कि इसमें क्या कहते हैं, चीनी नहीं है, गुड़ से बनाया हुआ है।
Which is the best thing? देसी घी. देसी घी. तब भी खुशबू है. हमारे जो पुराने लोग थे ना, बड़े बुजुर्ग, एक ही चीज में बिलीव करते थे, सब्जी में एक दो चम्मच देसी घी डाल दो, अपने आप चीज स्वाद हो जाती है. और वो सत्य बात है. हाँ. बाकी ये इतने सारे पड़े हैं, इनमें किसी भी एक पे मेरा नाम लिखा है कि नहीं? सर एक आप ही का ही है. है मेरा. कौन सा लेके जाऊंगा जो आपका मैनेजर. सर एक ही है, एक जैसे. वेरी गुड. इसमें केक है ये वाला जो आपने अभी खिलाया है? बस ठीक है. ठीक है ठीक है. ये मैं धीरे धीरे बड़ी स्पेयरिंग दिखाऊंगा थोड़ा थोड़ा हर मील के बाद. इसमें डेट्स एंड वॉलनट केक है, असॉर्टेड चॉकलेट्स है, आलमंड कुकीज है और चॉकलेट ट्रूफल केक जार. यार ये तो सारी बड़ी मस्त चीजें हैं. वो डाइटिंग की सारी ऐसी कैसी हो जाएगी? दिस इज ऑल होममेड. हर चीज होममेड. मेरे को लगा सर होममेड हैंडमेड. अच्छा मेरे को लगा सर केक आपने घर पे बनाया है. कुकीज भी नहीं बनाई आपने? सब कुछ घर पे बनाया. चॉकलेट. चॉकलेट. वाह जी वाह. ठीक है फिर तो. मैं कहने लगा था मेरे को सिर्फ इसमें से केक निकाल दो, बट फिर पूरा ही लगा था. ठीक है ठीक है ठीक है. बाकी जो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.